जी हाँ दोस्तों, हैरान कर देने वाले सच सबके सामने आ रहे हैं सुशील कुमार केस की छानबीन के दौरान। आप सभी को बता दें कि सुशील कुमार जैसे ही एक मशहूर पहलवान है योगेश्वर दत्त, इन्होंने भी छत्रसाल स्टेडियम से ट्रेनिंग ली थी। कह सकते हैं कि जितने भी मशहूर पहलवान और जितने भी मशहूर कुश्ती के खिलाड़ी निकले हैं यहाँ से, उन सभी ने छत्रसाल स्टेडियम में कभी ना कभी तो ट्रेनिंग ली है। उसमें से योगेश्वर भी हैं, लेकिन ये अब छत्रसाल स्टेडियम का हिस्सा नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि सुशील कुमार ने 4 मई की रात को सागर को पीटते हुए एक वीडियो बनवाया था। उसका मकसद था कि अपना आतंक फैलाया जाए छत्रसाल स्टेडियम और बाकी सारे गुर्गो गैंगस्टर के बीच, कि सुशील से जो टकराएगा उसका यही हश्र होगा। कुछ ऐसा ही हश्र दोस्तों यहाँ पे इन्होंने योगेश्वर का भी किया था, क्योंकि योगेश्वर हमेशा ही उनको टोकता था उनके गैंगस्टर को लेकर। और साथ ही साथ एक विवाद हुआ था नरसिंह का, उस नरसिंह विवाद में दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था योगेश्वर और सुशील कुमार का पक्ष नहीं ले रहा था, जो सुशील कुमार को बात बिल्कुल मंजूर नहीं आई। अब नरसिंह का सपोर्ट लेने की वजह से दोस्तों यहाँ पर योगेश्वर पूरी तरीके से सुशील कुमार का दुश्मन बन चुका था और सुशील कुमार का सिक्का चलता था छत्रसाल स्टेडियम में, जिसकी वजह यह निकली कि योगेश्वर को छत्रसाल स्टेडियम छोड़ना पड़ा जहाँ से ने कुश्ती के दाव पे सीखे थे। अब यही सपोर्ट करना दोस्तों भारी पड़ा। सुशील कुमार को लेकर ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि योगेश्वर जैसे मशहूर पहलवानों के साथ भी उसकी तूतू मैं पहले हो चुकी है, तो ये तो सागर फिर भी उसका शिष्य था। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, योगेश्वर का नाम आप सभी ने सुना होगा, तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन सुशील कुमार के साथ उनके विवाद काफ़ी पुराने चले आ रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से उनके विवाद अभी तक सुलझे नहीं है, जिसकी वजह से हम सुशील कुमार और योगेश्वर को एक साथ अब बहुत कम देखते हैं मौके पर। और लेकिन दोनों ही ने ही भारत देश का नाम रोशन किया था। अब योगेश्वर अपनी अलग राह चुन चुका है, उसने हमेशा सच्चाई की राह चुनी, उसने हमेशा सही की राह चुनी, जिसकी वजह से आज वो एकदम सेफ लाइफ जी रहा है। और सुशील कुमार ने जितने भी कांड किए थे उनका पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।